हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमासों में बह गए। वहाँ ऊपर वाले क्या किस्मत गढ़ी है, कोई पीएम का सपना देखते देखते मार्गदर्शन मंडल का हिस्सा बन गया, तो कोई बीते कई सालों से वेटिंग इन सीएम की मंशा पाले निराश हो चला है। उफ ये किस्मत। आडवाणी जी ने पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, लेकिन निजी तौर पर तय किया लक्ष्य हासिल ना कर पाए। कुछ उसी तरह से महाराजा साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया, महल से निकले, शिद्दत से काम किया, कुछ उपचुनाव में तो जीत का परचम भी लहराया, लेकिन राजा और कमल ने सपनों पर पानी फेर कर रख दिया। देखिए ना आप किस्मत का खेल। महाराजा साहब सीएम पद की उम्मीदवारी की बाट ही जोहते रहे, और दूसरी ओर सीएम उम्मीदवार के नाम को परे रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने सुरेंद्र चौधरी को उप मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट भी कर दिया। मतलब साफ, महाराजा साहब के हाथ में सिर्फ फूलमाला ही आने वाली है, बाकी मुई कुर्सी तो किसी और की ही होगी। तो साहब, यदि बात हो इंतजार की और आपके आंखों के सामने आडवाणी सिंधिया की तस्वीर नाच जाए तो मुस्कराइएगा मत। क्या करें, दोनों बेचारे उफ किस्मत के मारे।